हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रमीज सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस R7। फ्रेंड्स, आज वार्म अप में हम करने वाले हैं टक जंप 10 रिपीटेशंस और एंकल साइड स्टेप 10 रिपीटेशंस। वार्म अप की वीडियो शुरू करने के पहले प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो विथ योर लव वन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम स्टार्ट करेंगे कंडीशनिंग 15 मिनट्स AM रैप एज मैनी राउंड्स एज पॉसिबल। हमारी पहली एक्सरसाइज होगी टेम्पो स्क्वाट्स 5-5-3। 5-5-3 मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ये हम करेंगे 10 रेपिटेशंस और दूसरी एक्सरसाइज करेंगे बिना रेस्ट किए हुए रिवर्स लंजेस 10 रेपिटेशन लेफ्ट 10 रेपिटेशन राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। 5-5-3 का मतलब है हमें 5 सेकंड में नीचे बैठना है और हमें होल्ड करना है 5 सेकंड और 3 सेकंड में हमें अप करना है। लाइक 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5, 1-2-3। और इसी तरह हम अपनी 10 रेपिटेशंस को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे लंजेस की तरफ। स्क्वाट्स और लंजेस इन दोनों एक्सरसाइजों के बीच में हमें बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करना है। हमें फौरन लंजेस स्टार्ट करना है और लंजेस में हम करेंगे 10 रेपिटेशन लेफ्ट 10 रेपिटेशन राइट और 15 मिनट्स जो हमारा AM रैप है एज मैनी राउंड्स एज पॉसिबल। ये 15 मिनट्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेट्स परफॉर्म करने हैं और हमारे हार्ट रेट को कंटिन्यूसली बढ़ा कर रखना है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वेट हो, पसीना हो और हमारी कैलोरीज ज़्यादा से ज़्यादा हम बर्न कर सकें। और फ्रेंड्स, अब लास्ट में कूल डाउन स्ट्रेचिंग शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियो को उनके साथ जिन्हें आप फिट देखना चाहते हो और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आज स्ट्रेचिंग में हम करने वाले हैं वॉल काफ स्ट्रेच 30 सेकेंड्स ईच लेग और सेकेंड स्ट्रेचिंग होगी काउच स्ट्रेच 30 सेकेंड ईच लेग। अब हम स्टार्ट करेंगे काफ मसल्स स्ट्रेचिंग। काफ मसल्स को गैस्ट्रोक्नीमियस मसल्स भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने अपने राइट लेग की काफ मसल्स को स्ट्रेच किया हुआ है और लेफ्ट लेग को वॉल से 1 फीट दूर पर रखा हुआ है। आप अपनी बॉडी को वॉल से बिल्कुल भी करीब रखें ताकि आप अपने काफ मसल्स को अच्छी तरह से स्ट्रेच कर सकें और राइट लेग को 30 सेकेंड्स परफॉर्म करने के बाद में आपको अपनी साइड चेंज करना है। अब आप 30 सेकेंड लेफ्ट साइड करेंगे। काफ स्ट्रेच पूरा होने के बाद में हम स्टार्ट करेंगे काउच स्ट्रेच। काउच स्ट्रेच इसके पहले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इसे परफॉर्म करने से पहले आप अपने नी के नीचे किसी भी सॉफ्ट चीज़ का यूज़ ज़रूर करें। आप कुशन ले लें या टॉवल को फोल्ड करके अपने नी के नीचे सपोर्ट दे दें ताकि आपकी बॉडी का जो वेट है वो पूरी तरह आपके नी पर ना पड़े और आप नी पेन से सफ़र ना करें। काउच स्ट्रेच में आपको एक बात का और ध्यान रखना है। आप अपने जो भी लेग को स्ट्रेच कर रहे हैं, सपोज़ आप अपने लेफ़्ट लेग को स्ट्रेच कर रहे हैं तो राइट लेग की जो नी को आपको पॉइंट आउट करके रखना है, अंदर की तरफ नहीं करना है। तो गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
लाइक करें मेरे वीडियो को, शेयर करें मेरे वीडियो को उनके साथ जिन्हें आप फिट देखना चाहते हो, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।